हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सीरीज हम लेकर आए हैं वो आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का होने वाला है। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि ये यूपीपीएससी एग्जाम, स्टेट पीएससी एग्जाम, आरओ एआरओ सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो रोज़ हम छोटे छोटे से इश्यूज कवर करते थे, लेकिन आज हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए कि पूरे दिन में जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, वो क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर हम उसकी सारी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करेंट अफेयर्स का हमारा ये सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, हु वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल। देखिए बहुत सारी जगह ना आपको ये देखने के लिए मिलेगा 2023 टाइटल। अब 2023 हम क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअली में होना ये 2023 को था लेकिन हुआ ये 2024 में, इसलिए आपको ये कहीं मिस वर्ल्ड 2023 देखने के लिए मिलेगा, कहीं 24। तो एग्जाम में अगर आपको 23 या 24 पूछेगा तो आपको टिक करना है क्रिस्टीना। क्या नाम टिक करना है आपको? क्रिस्टीना सेस्कोवा। ठीक है, कहाँ की निवासी है ये आपको पता होना चाहिए, चेक रिपब्लिक की। ठीक है ना, तो आप इसको लिखेंगे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ की निवासी है तो आपको पता होना चाहिए चेक रिपब्लिक की। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि चेक रिपब्लिक की है, कौन से नंबर का ये टाइटल था तो यहां पर ये भी पूछा जाता है, तो ये 71st नंबर का टाइटल था, ये आपको ध्यान रखना है 71st नंबर का ये टाइटल था। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया है तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है, मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक, भारत के द्वारा 28 साल के बाद इसका आयोजन किया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि 28 सालों के बाद इसका आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं कि इंडिया की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट किया था क्या, तो जी हाँ, सिनी शेट्टी। देखिए सी नंबर पे मैंने नाम लिखा हुआ है, सिनी शेट्टी, इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, परंतु ये टॉप 4 में भी नहीं आई थी। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसके पहले 70th नंबर पर जो मतलब 70th जो हुआ था मिस वर्ल्ड पेजेंट, वो कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा जो पहले रह चुके हैं वो ही नए वाले को क्या करते हैं, क्राउन यहाँ पर पहनाती हैं, तो वो क्राउन पहनाने आई थी तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो जो क्राउन जिन्होंने पहनाया था उनका नाम याद रखना है आपको, कैरोलिना, कैरोलिना, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कैरोलिना ब्लाविस्का। इनका देखिए नाम थोड़ा सा ना ऐसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, मैं इसलिए पूरी स्पेलिंग आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। कहाँ की रहने वाली थी ये? पोलैंड की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये 70th नंबर की थी, अभी 71st नंबर का हुआ है। अच्छा, अब यहां पर भारत ने अभी तक मिस वर्ल्ड पेजेंट कितने बार जीता है, तो भारत ने 6 बार ये पेजेंट जीता है। सबसे पहली बार कौन बनी थी उनका नाम आप सबको पता है, रीता फारिया सबसे पहली बनी थी, जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो रीता फारिया जी बनी थी 1966 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब रीता फारिया के बाद कौन बना था तो मैं एक बार आप लोगों को सबके नाम बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐश्वर्या राय बनी थी, ठीक है, ऐश्वर्या राय बनी 1994 में। ठीक है, देन उसके बाद ऐश्वर्या के बाद अगर मैं बात करूं तो डायना हेडन बनी थी, ये भी भारत की थी, है ना, डायना हेडन बनी 1997। देखिए ये तो आपने वनडे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करी ही होगी। ठीक है ना, देन उसके बाद आपको पता होगा युक्ता मुखी बनी थी, युक्ता मुखी बनी, देन युक्ता मुखी के बाद प्रियंका चोपड़ा बनी, और सबसे लास्ट लेटेस्ट आपको पता है मानुषी चिल्लर बनी थी, ठीक है, 2017 में। तो पहला और बिल्कुल लेटेस्ट वाला कौन सा था वो आपको ध्यान रखना है, और अभी तक कितने बार कर चुके हैं तो अभी तक भारत 6 बार बन चुका है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको पूरी डिटेल यहां पर बता दी है, आगे बात कर लेते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस सेलिब्रेटेड ऑन,
तो ये कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो ये आपको देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो होता है, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वुमेन डे की, तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको पता है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं क्या? नहीं, इस दिन ये सेलिब्रेट नहीं होता है, ये सेलिब्रेट होता है 10 मार्च को, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जस्टिस में भी विमेन अब बहुत आगे हैं, तो कौन सी विमेन जजेस बनी हैं, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, किस तरह के निर्णय लिए हैं, कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की ही होती हैं, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका थीम आपको पता होना चाहिए, विमेन इन जस्टिस एंड विमेन फॉर जस्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। विमेन इन जस्टिस, विमेन इन जस्टिस एंड विमेन फॉर जस्टिस, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के लिए एक काम है। आप लोग चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा भारत की पहली विमेन जज कौन रही हैं, फर्स्ट विमेन जज, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग बताइए फर्स्ट विमेन जज भारत की कौन रही हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की विमेन जज कौन रही हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम कंडक्ट कराता है और हम हो सकता है इसकी भी तैयारी कर लें कभी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए और इसका रेजिंग डे भी हमें पता होना चाहिए। ये होता है 10 मार्च को, चूंकि हम 10 और 11 की करंट अफेयर्स मोस्टली कवर कर रहे हैं आज, तो मैं इससे आप लोगों को सीआईएसएफ के बारे में बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सीआईएसएफ जो है इसका गठन कब हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए 1969 में हुआ है। अब 1969 की डेट अगर मैंने बोली है तो जल्दी से कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि और ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का जिसका गठन 1969 में हुआ है, ठीक है? अब ये जो है सीआईएसएफ जो है, आपको पता होगा एक हमारे वहां होता है सीएपीएफ, सीएपीएफ होता है जिसका एग्जाम भी देते हैं बहुत सारे लोग। सीएपीएफ क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है? इसके अंतर्गत 7 चीजें हैं, 7 फोर्सेस मैं बोल सकती हूँ जो काम करती है, उनमें से ही एक है सीआईएसएफ जो इसी के अंतर्गत काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और अब देख लीजिए किसके अंतर्गत आती है, तो ये याद रहना चाहिए सीएपीएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहां पर हमने, मैंने बोला है आपको कि 7 यहां पर आर्म्ड फोर्सेस इसके अंतर्गत काम करती हैं। यहां पर रीसेंट में अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था कि सीआईएसएफ में अभी रीसेंट में पहली महिला डीजी का नियुक्ति हुई है, पहली महिला डीजे, सॉरी डीजी, पहली महिला डायरेक्टर ऑफ जनरल की नियुक्ति हुई है उनकी, तो उनका नाम क्या है? नीना सिंह, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, नीना सिंह की नियुक्ति हुई है डीजी, हाँ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, डीजी नीना सिंह इनकी नियुक्ति हुई है। अब अगर मैं बात करूंगी कि 7 कौन कौन से हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए, तो एक आपको पता होना चाहिए असम राइफल्स, ये होता है इसके अंतर्गत। फिर आपने पढ़ा होगा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देन उसके बाद यही हमारा सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जो इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी करती हैं। अब कौन सी इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी करेंगी? जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, फॉर एग्जांपल पोर्ट अथॉरिटीज हो गई, वहां पर आपने पुलिस देखी है, उसके बाद आप एयरपोर्ट्स में पुलिस देखते हैं, है ना? कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी मिनिस्ट्री होती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स हो गया, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ पुलिस फोर्स काम करती है, तो वहां पर ये पुलिस फोर्स लगी होती है, ठीक है? इसके साथ एक आता है सीआरपीएफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, सीआरपीएफ भी इसी में आता है, ठीक है ना? जो रेलवे में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। फिर उसके बाद एन
ITBP है ये, सॉरी है। उसके बाद आपको NSG देखने के लिए मिल जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और लास्ट में आपको सशस्त्र सीमा बल देखने के लिए मिल जाएगा। अब इनमें से कौन कौन सी हैं जो बॉर्डर में काम करती हैं, तो SSB आपको बॉर्डर में काम करती मिलेगी, ITBP आपको बॉर्डर में काम करे मिलेगी, BSF मिलेगा आपको, और आपको असम राइफल्स मिलेंगे। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी इसी के साथ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आपने सुना होगा कभी किसी को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, किसी को XY सिक्योरिटी दी जाती है, वो भी CISF के थ्रू ही दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वॉट इज द नेम ऑफ समुद्रयान मिशन ऑफ इंडिया। देखिए अभी मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और उसी के तहत हमने एक समुद्रयान मिशन भी लॉन्च करने की बात कर दी है। तो ये जो समुद्रयान मिशन है ये भारत का 2025 में होने वाला मिशन है, और बेसिकली इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है मत्स्य 6000, मछलियों के नाम पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, एक इसमें भी हम मानव को भेजने वाले हैं, याद रखेंगे, फर्स्ट मैंड मिशन, फर्स्ट मैंड मिशन है कहां पर, डीप सी में। ठीक है ना, अब हम समुद्र की गहराइयों में जाकर भी देखेंगे कि वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है, किस तरह का वातावरण पाया जाता है, किस तरह की कहना चाहिए इकोलॉजिकल चीजें वहां पर हमको देखने के लिए मिलती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों को भेजा जाएगा, इसलिए मैंड मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी तैयारी, इसकी घोषणा की अगर मैं बात करूं तो ये 2021 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, और ये 5 साल का प्रोग्राम है, तो 2026 तक, 25 में ये लॉन्च हो जाएगा, 26 में ये वापसी कर लेगा। तो कहीं ना कहीं 5 साल के इस मिशन की बात कर दी गई थी। किसके अंतर्गत आएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आएगा। मैं मिनिस्ट्री बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। ऐसा करने वाला भारत 6वां देश बन जाएगा। तो 5 देश कौन कौन से हैं, एक है USA, एक है रशिया, एक है चाइना, एक है फ्रांस और एक है जापान। ये सब कर चुके हैं, अब भारत करने वाला देश बन जाएगा। तो समुद्र यान मिशन है, लेकिन उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। 6000 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6000 मीटर नीचे हम जाने वाले हैं, इसलिए इसको 6000 यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, 6000 किलोमीटर नीचे हम जाने वाले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बेसिकली ये डिजाइन किसने किया है, तो आपको पता होना चाहिए NIOT ने इसको डिजाइन किया है। NIOT के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट लिखा है, वो गलती से कुछ कटपिट जा रहा है, पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो चेन्नई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक की डिटेल्स आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, सेला टनल रिसेंटली न्यूज लोकेटेड एट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो चाइना बॉर्डर लगती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो वहां पर हम जो भी काम करती है भारतीय सेना, तो कहीं ना कहीं चाइना उस पर सर्विलियंस रखी रहती है और उसको पता चलता है कि किस तरह का काम यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो कहाँ कहीं ना कहीं उससे बचाने के लिए अब एक टनल के थ्रू यहाँ पर जो भी है काम किया जाएगा, लोगों को यहाँ से वहां तक ले जाने का काम, हमारे सैनिक वहां जो जा रहे हैं, तो जो भी चीज हो रही है अब वो क्या हो रहा है, गुप्त रूप से होगी, मतलब कि टनल के माध्यम से होगी। तो उसके लिए टनल डेवलप किया जा रहा है, ये वर्ल्ड का कहना चाहिए लार्जेस्ट बाय लैंड टनल होगा, ये याद रखना है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल होगा, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये होगा। और कितने फीट ऊंचा है ये, तो कितने एल्टीट्यूड पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा 13,000 फीट ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहां से किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये तेजपुर असम से कनेक्ट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट।
ये आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हु टुक एडिशनल चार्ज एज द एमडी ऑफ एनएचपीसी। अब देखिए यहाँ पर एडिशनल चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर फाइनेंस का काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ये एडिशनल काम भी कर रहे हैं, इसलिए एमडी हैं। इनका नाम याद रखना है आपको, राजेंद्र प्रसाद गोयल जी इनका नाम है, है ना। तो अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी की, तो ये क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बिजली पैदा करने वाली पावर कंपनी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो किस तरह की कंपनी है, तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इसका, तो 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज इंडिजीनियस राउटर लॉन्च, वॉट इज MPLS इन इट। देखिए एक इंडिजीनियस राउटर बनाया गया है जिसका नाम है, जिसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज करी जिसको बोला है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक इंडिया का इंडिजीनियस राउटर है, मतलब कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आईपी एड्रेस वगैरह आप इंडिया के इंडिया में ही यूज होंगे, यहां से वहां नहीं पहुंचेंगे, तो इंडिजीनियस है तो अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। इसमें कुछ एडिशनल आपको चीजें पता नहीं होना चाहिए, मतलब जितना भी पता होना चाहिए वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी कि इंडिया की इंडिजीनियस है, क्या है, राउटर लॉन्च कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो गई है, MPLS टेक्नोलॉजी यूज हो गई है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, जल शक्ति अभियान 2024 लॉन्च्ड एट। अब देखिए हमेशा हमको दिमाग में आएगा भाई हो सकता है न्यू दिल्ली में हुआ हो, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये अभी चर्चा में है, है ना। तो जल शक्ति जो है ये आपको लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली से, ठीक है। अब बेसिकली ये अभियान होता क्या है, देखिए गर्मी आ रही है, गर्मियों में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए अभियान लॉन्च किया गया है। हर साल ये लॉन्च किया जाता है, और इस बार ये लॉन्च किया गया 9 मार्च को, और कब तक चलेगा तो आपको पता होना चाहिए 30 नवंबर 2024 तक ये अभियान चलने वाला है। अगर बोलूं मैं जल शक्ति अभियान स्टार्ट कब से हुआ था, तो 2019 से ही ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं इस साल की थीम की, देखिए थीम इंपॉर्टेंट रहती, पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। देखिए क्या होता है, अभी आपको अगर पता होगा कि नारी शक्ति से ही रिलेटेड हमारा 26 जनवरी का इवेंट भी रहा है, और बहुत सारी चीजों पे इस बार नारी शक्ति पर फोकस किया गया है, इसलिए इस बार थीम भी जो रखी गई है वो नारी शक्ति से जल शक्ति ही रखी गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी थीम क्या है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है, किसके अंतर्गत आता है, तो नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत आता है, नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन पोषण पखवाड़ा। देखिए पोषण पखवाड़ा हमेशा चलता है, और ये 15 दिनों का होता है, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि माल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित रह जाते हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट विमेन होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो उनके लिए किस तरह के हमको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करना है, कौन सी चीजें पोषण युक्त चीजें कैसे प्रोवाइड करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये पोषण पखवाड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए 15 दिनों का होता है। इस बार कब से कब तक है, तो 9th of March से 23rd of March तक ये है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, इसकी थीम पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो थीम थी वो है पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब उसके बारे में बताएंगे भी अब कि पोषण कैसा होना चाहिए, पोषण भी पढ़ाई भी, ये याद रखना है आप लोगों को। देखिए मैं जितने थीम्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट करते चले, पोषण भी पढ़ाई भी। और ये देख लीजिए सेप्टेम्बर में एक यूज की माह बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है ना। तो ये माह अलग है, अगर माह पूछेंगे तो आप मंथ वाला पूछेंगे तो सितंबर वाला टिक करेंगे, और पोषण पखवाड़ा बस पूछा है तो 15 दिनों का होता है, मार्च में हो रहा है। अब यहाँ पर पोषण का एक फुल फॉर्म भी होगा, देखिए जब से मोदी जी आए हैं तो जितनी भी योजनाएं आ रही है ना उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, उनका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म आपको मिलेगा, तो दैट इज PM प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग
स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ये पोषण पखवाड़ा चलाना कब से चालू किया गया है, तो 2018 से इसकी नींव रख दी गई थी। 2018 से ये चल रहा है और हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च के मंथ में, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव ओपन एट। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत के संविधान में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो हुआ है ये डेडिकेट किया गया है केरला के कोझीकोड में। कोझीकोड आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां पर ही इसको सेटअप किया गया है। तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ कोझीकोड, ठीक है, यहाँ पर इसको बनाया गया है। अब फर्स्ट म्यूजियम क्यों है ये डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैंने अभी आपको बताया बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। और ये जो है, जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आपको मिल्क की कोऑपरेटिव सोसाइटी पता होगी, अमूल जिसको हम कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। इसीलिए हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेडिकेटेड हम एक म्यूजियम बना रहे हैं कि देखिए इससे रिलेटेड जो जितना भी मटेरियल है, कि कब इस से चालू हुआ, कौन कौन सी नई चीजें आई, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी कैसे, कुछ भी चीज उससे रिलेटेड आपको इस म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वर्ल्ड की सेकेंड है, और वर्ल्ड की अगर मैं फर्स्ट की बात करूं कौन सी रही है, तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट रही है वो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है टोड लेन। ये है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूके में, इन द ईयर ऑफ 1844 में ही बन गई थी। देखिए, इतने पुराना कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट चला आ रहा है और हमने तो इतने लेट अडॉप्ट किया है इसको, ठीक है। और वर्ल्ड का सेकेंड जो है वो भारत में ही बन गया है, ठीक है। कोझीकोड केरला आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हु टॉप्ड द चार्ट ऑफ हाईएस्ट पासपोर्ट पेनिट्रेशन अमंग विमेन। विमेन में सबसे ज्यादा पासपोर्ट किसके पास आए हैं, तो बट ऑब्वियस बात है केरला के पास। देखिए, आपको पता है कि केरला जो है वो सर्वाधिक कहना चाहिए शिक्षित हमारा राज्य है, ठीक है, और महिलाओं की शिक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे ज्यादा सक्षम राज्य है वो केरला है। तो यहाँ की महिलाएं जब पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाती हैं, और जब वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ यूज होंगे। तो केरला एक ऐसी जगह है जहां पर विमेन पासपोर्ट भी सबसे ज्यादा है, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लोगों के पास भी वहां पर पासपोर्ट सबसे ज्यादा है, तो ये बात निकलकर सामने आई है। अगर मैं केरला के बाद बात करूं तो उसके नंबर दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, तो महाराष्ट्र आ जाता है हमारा। महाराष्ट्र में भी आपको दूसरे नंबर पे देखने के लिए मिल जाएगा, और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु में जाता है, ठीक है। अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेल जो है जहां पर, या मैन मैं बोल देती हूं, अगर जिनके पास पासपोर्ट सबसे ज्यादा है, तो उसमें यूपी ने टॉप किया है। भाई, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर हमारा पंजाब होगा, है ना, लेकिन पंजाब नहीं है, यूपी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण गोयल रिजाइंड फ्रॉम विच पोजीशन रिसेंटली। तो ये इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन उन्होंने इसके पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी फिलहाल में अगर आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसमें तीन सदस्य होते हैं, एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर में से इन्होंने तो रिजाइन कर दिया है, और इसके पहले जो एक अनूप चंद्र उनका फेब्रवरी में ही रिटायरमेंट हो गया है, तो वो रिटायर हो गए हैं और इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कौन एक्सेप्ट करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब केवल हमारे सीईसी बचे हुए हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। तो देखिए, पेपर आने तक हो सकता है चेंज हो जाए, तो जो नए आएंगे इलेक्शन कमिश्नर उनके नाम आप लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां तक हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। 12 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, 12 क्वेश्चंस नहीं, हमने 12 घटनाएं ऐसी पढ़ी हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और
रोजाना इस तरह के 10 से 12 क्वेश्चन या कभी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी होंगे तो वो हम लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपका साइड बाय साइड करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर होता जाए। हम इसके टेस्ट का भी कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट भी इस कर लें, ताकि हमें पता चले कि भाई बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। और इस तरह का इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्योंकि देखिए, टाइम अगर मिला है, UPSC अगर पोस्टपोन हुआ है, तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और उस टाइम में हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे भाई वो 4 से 5 नंबर, क्या मैं 10 नंबर बोलती हूँ, 10 नंबर भी अगर बढ़े ना तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।